आईपीएल 2024 के ऑक्शन के बाद ये बात फिर से सही साबित हो गई कि क्रिकेट की दुनिया में आईपीएल से ज्यादा बड़ी और महंगी लीग कोई और नहीं है। आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां खिलाड़ियों को शोहरत तो मिलती है, साथ ही उन पर पैसों की बारिश भी होती है। आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की बात आती है तो रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी जैसे धुरंधर इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। आईपीएल के इतिहास पर नजर डालें तो अब तक 7 खिलाड़ियों ने आईपीएल से 100 करोड़ या इससे ज्यादा की कमाई की है। आइए आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है रविंद्र जडेजा का। 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई थी तब रविंद्र जडेजा एक अनकैप्ड खिलाड़ी थे। आईपीएल के शुरुआती सीजन की नीलामी में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 12 लाख रुपए में अपने साथ रखा था। इस लीग में जडेजा ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया जिसके चलते उनकी सैलरी भी बढ़ती गई। आज आईपीएल में जडेजा की सैलरी 16 करोड़ है। वहीं आईपीएल में अब तक जडेजा की टोटल इनकम 109 करोड़ रुपए रही है। बाएं हाथ के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने अब तक आईपीएल के 226 मैच खेलकर 2692 रन बनाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 152 विकेट भी लिए हैं। लिस्ट में नंबर 4 पर सुरेश रैना आते हैं। मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना इस टी20 लीग के सबसे सफलतम बल्लेबाजों में एक रहे और उन्होंने सीएसके को 4 बार चैंपियन बनाया। रैना ने कुल 205 मैचों में 5528 रन बनाए जिसमें एक शतक और 39 अर्धशतक शामिल है। रैना ने 2008 से 2019 तक हर एक सीजन में 300 या उससे ज्यादा रन बनाए जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। रैना को 2008 में चेन्नई ने 2,60,00,000 में अपने साथ शामिल किया था। रैना ने आईपीएल से कुल 110 करोड़ की कमाई की है। लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है विराट कोहली का। आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर में 173 करोड़ की कमाई की है। विराट इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने कभी भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। विराट कोहली आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी। विराट ने अब तक 237 आईपीएल मुकाबलों में 37 की औसत से 7263 रन बनाए हैं। विराट के नाम आईपीएल में 7 शतक और 50 अर्धशतक है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के पहले सीजन की नीलामी के सबसे महंगे प्लेयर थे। आईपीएल में धोनी की उनकी पहली सैलरी 6 करोड़ रुपए थी जो 2011 में बढ़कर 8 करोड़ हुई, 2014 में 12.5 करोड़ और 2018 में 15 करोड़ हो गई। धोनी की आईपीएल 2023 की सैलरी 12 करोड़ रही और ओवरऑल देखें तो धोनी ने आईपीएल से लगभग 176 करोड़ रुपए कमाए हैं। 42 साल के महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक 250 आईपीएल मुकाबलों में 38 की औसत से 5082 रन बनाए हैं जिसमें 24 अर्धशतक शामिल है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है रोहित शर्मा का। मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा आईपीएल के सबसे सफल कप्तान होने के साथ साथ सर्वाधिक कमाई करने वाले प्लेयर भी हैं। रोहित आईपीएल में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी से भी आगे हैं। मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की आईपीएल कमाई लगभग 178 करोड़ रुपए। रोहित ने अब तक 243 आईपीएल मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 6211 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 42 अर्धशतक निकले हैं। रोहित को आईपीएल 2008 में 3 करोड़ में डेक्कन चार्जर्स ने अपने साथ जोड़ा था। आज आईपीएल में रोहित शर्मा की सैलरी 16 करोड़ है। इन पांचों के अलावा दो और खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल से 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। नंबर 6 पर सुनील नारायण का नाम है जिन्होंने 2012 से 2023 के आईपीएल में लगभग 107 करोड़ कमाए हैं, जबकि मिस्टर 360 के नाम से मशहूर एबी डिविलियर्स ने 2008 से 2021 तक खेले अपने आईपीएल में 102 करोड़ की कमाई की।